द मॉडल ऑफ बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड विद द स्केल फैक्टर वन इज टू थर्टी यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बिल्डिंग का मॉडल है जो कि स्केल फैक्टर पे बनाया गया है वन इज टू थर्टी में अब देखो इसमें जो मॉडल का मतलब समझ में आता है कि जैसे जो एक्चुअल बिल्डिंग है उस एक्चुअल बिल्डिंग का एक रफ डायग्राम बना दिया गया उसी रफ डायग्राम को एक रेशियो में दिखाया गया है वन इज टू थर्टी में इसका मतलब क्या होता है कि अगर मॉडल बिल्डिंग की अगर हाइट वन है तो जो एक्चुअल बिल्डिंग होगी उसकी हाइट इससे तीस गुना होगी ठीक है देखो अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है इफ़ द हाइट ऑफ द मॉडल इज अगर मॉडल की हाइट एट्टी सेंटीमीटर है तो फाइंड द एक्चुअल हाइट ऑफ द बिल्डिंग इन मीटर तो हमें बिल्डिंग की एक्चुअल हाइट मीटर्स में बतानी है अब देखो यहाँ पे जो सल्यूशन है सोलूसन ये है कि इफ़ द स्केल फैक्टर इज वन इंस टू थर्टी अगर स्केल फैक्टर क्या है वन रेसियो थर्टी है तो एक्चुअल हाइट क्या हो जाएगी बिल्डिंग की वो थर्टी टाइम्स हो जाएगी किससे मॉडल की हाइट से मॉडल की हाइट वन है और एक्चुअल बिल्डिंग की हाइट थर्टी है वन इस टू थर्टी का मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल बिल्डिंग की हाइट है वो मॉडल की हाइट से तीस गुना है तो एक्चुअल हाइट कितनी होगी तो देखो मॉडल हाइट दिया हुआ है एट्टी सेंटीमीटर वन वन के बराबर एट्टी सेंटीमीटर है मॉडल की हाइट तो एक्चुअल बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी तो एक्चुअल बिल्डिंग की हाइट के लिए हम लोग थर्टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्वेंटी फोर हंड्रेड सेंटीमीटर आ जाएगा और हमें आंसर चाहिए मीटर में तो इसको हम लोग हंड्रेड से डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा मीटर्स में